तो भाई फाइनली आपके भाई ने भी देखो चार पांच कबूतर निकाल दिए हैं, पर ये जाओ यार बेस्ती कर। ये देखो ये आया, ये आ रहा बच्चा, ये निकल के आया इनका, ये आ रहा बच्चा, नया लग रहा है मेरे को तो। और ये आ गए कितने सारे सफेद सफेद, लगता भाई शिकार हो सकता, आसमान में भी कबूतर काफी लग चुके हैं। मैं दो चार और निकाल देता हूँ, ये देखो इनमें से बात बन सकती है लगता है। ये बच्चा आ रहा था, ये देखो ये आ गया, ये आ रहा। ये भाई इसको पकड़ के लिए आया है, इसको अभी फेंक देंगे आसमान में। लेकिन यार इसको मेरे को एक समझ में बात नहीं। रुको, गया तो सब्सक्राइब मार दे मेरे यार, क्योंकि कबूतरबाजी प्लस मजे लव बर्ड्स एंड पिजन से मिल सके मेरे भाई। हाँ और घंटा मत दबाना बोलियो, कि घंटे ही बना के यार आजकल। तो एक बार फिर से भाई सभी भाइयों का स्वागत है। ये देखो 25,000 का पक्षी बैठा हुआ भाई वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चल के। बाकी आज की वीडियो में मैं बताता हूँ, ये देखो, अरे यार ये देखो क्या हाल हो रखा है यार। बारिश आ गई आज सुबह सुबह, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी आई थी। कहाँ पे गई रे, अरे यार ये जंगली उड़ गए ना, तो वो भी निकल गई, लाफिंग डव थी भाई। मैं गया था दिल्ली मार्केट में, तो ये डंडा कैसे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे इसका रेट बोला था 25,000 का जोड़ा। मैं मन में तो था लाने का, लेकिन मैं लेके नहीं आ पाया, इतना महंगा फोन लाएगा। अरे यार यहाँ पे ची 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 की आवाज आ रही है, ओहो ये बच्चे तो पूरे भीग गए यार बारिश में, देखो पानी। अरे ये देखो भाई, ये जंगली का ही बच्चा लग रहा है मेरे को तो। हाँ वो अंडा था, वो तो गायब हो गया लगता है। कबूतर भी अंडे खा जाते भाई अपने, ठीक है वो कबूतरी ने गायब कर दिया। क्योंकि मेरे को कई बार, आपको भी ऐसा हुआ होगा जिसने कबूतर पाल रखे हैं, कि अंडे ही गायब हो जाते हैं अचानक से। लेकिन जंगली कबूतर देखो कितने बच्चे निकल रखे यार, ये देखो टंकी के पास में कितने कितने बैठे हैं। तो बच्चा तो वहाँ पे भी था, लेकिन उसको इतनी कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि वहाँ पे वो है ना। ठीक है फिर भी दिखा देता हूँ आपको, चलो काफ़ी भाई बोल लेके दिखाया नहीं। अरे ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, रुको दिखाता हूँ। ये भी क्या हो रखा रे, ये तो पूरा बिल्कुल सूखा पड़ा, बिल्कुल यहाँ पे तो बारिश की बूंद भी नहीं आई है इस तक। ये भी जंगली का, मैं अंडे बदलना भूल गया लगता है। ये देख लो भाई मेरा बाप जल्दबाजी में लगता है वो लगाना ही अच्छे से लगा के जाना भूल गया, ऐसे लगा दी, ये ऐसे लगनी थी, पर कोई बात नहीं इस बच्चे को। हाँ शाम को मेरे पापा बोल रहे थे कि है ना एक बच्चा है उसमें मेरे को ये नहीं था छोड़ रखा है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, दिखना बंद हो रखा है शायद इसको, बच्चे को जाड़ा आ गया क्या। हाँ आँख तो इसकी सूज रखी है भाई, इस आँख में लगता है इसको ज्वाला आ रखा है, अभी पता लग जाएगा दिख रहा है कि नहीं। इस आँख से तो दिख रहा है, उस आँख से, हाँ इस आँख से भी दिख तो रहा है शायद, हाँ दिख रहा है भाई, चलो शुक्र है। बाकी बच्चा बहुत तगड़ा, पंजाबी कबूतरों का बच्चा है भाई, बहुत तगड़ा। तो भाई काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद आपके भाई ने पूरी छत साफ कर दी है, ऊपर से भी साफ कर दी है। अभी आपको एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ दूंगा, मतलब मैं उसको गुड न्यूज़ बोलूँ या बैड न्यूज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप डिसाइड करना वो तो, ठीक है दोनों है। उससे पहले मैं आपको आज का टॉपिक बता देता हूँ भाई। जैसा कि आप देख सकते हो मौसम हो रखा है बारिश का, बिल्कुल रोमांटिक मौसम। इस वक्त कबूतर खोलना बेवकूफ़ी होगा, तो हम ऊपर के कबूतर तो खोल नहीं सकते, नीचे के तो खोल सकते हैं। नीचे के जो एक गोली कबूतरी, जो सफ़ेद गोले कबूतरी, जो मैं 6 कबूतर लाया था उनमें एक कबूतरी है जो वो उड़ने के काबिल है, बहुत अच्छे है, लेकिन उसके मैंने पंख बांध रखे थे इतने दिनों से, तो आज मैं सोच रहा हूँ चलो उसको रिया करते हैं, उसको उड़ा देते हैं भाई, देखी जाएगी, भागनी होगी भाग जाएगी। उसका जो कबूतर था वो आपको पता उन भाइयों के वहाँ पे पिट गया था, ठीक है 3 कबूतर पिट गए थे उस दिन, एक वो सफ़ेद कबूतर था जोड़े में उसका, वो वहाँ पे पिट गया था। वो भाई ने बोला अभी था ले जा, लेकिन अब तक मेरे को टाइम नहीं लग पाया तो मैं जा नहीं पाया हूँ, तो देखेंगे अगर होगा तो ले आएंगे, ना तो छोड़ दो रहने दो। ओ भाई ये भाई का क्या हो गया रे, उसने सारे कबूतर उड़ा दिए, हम भी खोल दिए क्या है, क्या के रखा क्या करें, देखो सारे उड़ा दिए लगभग लगभग, खोल दे हम भी थोड़े बहुत निकाल देते हैं, फटका देते हैं। ये देख लो भाई हम भी, भाई मैं एक बार निकालता हूँ 8-10 कबूतर निकालता हूँ जो थोड़े बहुत उड़ते हैं, क्या बता
मटेरियल सेट हो जाए कि छत पे तो मैंने सफाई करी दी है। तो भाई फाइनली आपके भाई ने भी देखो 4-5 कबूतर निकाल दिए हैं, पर ये जाओ यार बेइज्जती कर। ये देखो ये आया, ये आ रहा बच्चा, ये निकल के आया इनका, ये आ रहा बच्चा नया लग रहा है मेरे को तो। और ये आ गए कितने सारे सफ़ेद सफ़ेद, लगता भाई शिकार हो सकता है, आसमान में भी कबूतर काफ़ी लग चुके हैं। मैं 2-4 और निकाल देता हूँ, ये देखो इनमें से बात बन सकती है लगता है। ये बच्चा आ रहा था, ये देखो ये आ गया ये आ रहा ये गए। अब जाओगे ना बेटे तुम अच्छे से, ये लो भाई ऊपर भी अगर मिक्स होंगे। ये हो गया यार, ये देखो काली पूछ का, तो मैं करता हूँ एक बार इसमें से भी निकाल देता हूँ। तो फाइनली भाई आपका भाई इसको पकड़ के ले आया है, इसको अभी फेंक देंगे आसमान में। लेकिन यार इसको मेरे को एक समझ में बात नहीं आ रही, लगता है इसको सांस की बीमारी हो चुकी है भाई। देखो मैं हाथ में पकड़ा, इसको ढीले हाथ से पकड़ रखा हूँ, देखो कैसे हाँप रही है यार, लगता है इसको सांस की बीमारी होगी। इसको बैक ना सोल देनी पड़ेगी आधी गोली, ठीक है। और भाई मेरे को महसूस हो रही है बारिश हो रही है, टिप 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 हल्की हल्की, कहीं ऐसा ना हो यार ये बारिश में निकल जाए। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है ना अच्छी भाई, तेज बारिश होगी यार। एक जो अच्छी चीज़ होने वाली है, इसका जोड़ा लग चुका है एक कबूतर के साथ, अभी अभी मैंने देखा है, ठीक है। जो मैं गोले कबूतर लाया था उन्हीं में से मैं आपको दिखाता हूँ, तो शायद इसके चांस कम है भागने के। बाकी इसको खोल देते हैं अभी, यार बारिश रुक जाए यार 2 मिनट, हमारा कबूतर देखो निकल के आ रहा है, वो दबाज कबूतर कहाँ पे गई, कच्ची 1 मिनट रुको। ये लो भाइयों आज कर ही देते हैं, देखी जाएगी चाहे तो भाग जाएगी, मेरे को तो लग रहा है भाग जाएगी भाई, क्योंकि पड़ोस में भी आपने देख लिया कबूतर उड़े हुए हैं बहुत तगड़े वाले, और उनके पास भी कबूतर हो चुके हैं कम से कम भी 100 के करीब करीब। तो कबूतर पकड़ना उनके लिए भाई हाथ का खेल हो चुका है, और खुली छत है उनकी भी तो, और नए कबूतर हैं भाई आपको पता है, जहाँ से लाया उनके भी नीची छत थी, तो बहुत कम चांस। हमारी छत पे तो पेंट हो रखा नहीं ला, पेंट को पहचान है ही नहीं अभी। ये लो भाई कर हर, ये लो भाई दोनों उसके खोल दिए हैं। लेकिन यार बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, इसको तब तक है ना मैं इसमें छोड़ देता हूँ जाल में और इसके कबूतर के साथ में, ताकि थोड़ी मस्ती में आ जाएगी, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाएगी, फिर इन दोनों को बाहर निकाल देंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। बाकी इसके पर थोड़े चिप 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 हो रखे हैं, टेप लगाने का ये नुकसान है भाई, पर पंख नहीं काटने चाहिए कबूतर के, वो दुखी मान गया उसमें बीमारी आ जाती है। तो भाई इससे कबूतर से बैठा ही नहीं गया, देखो ये अभी भी ये उड़ रहा है, तो हम इसका कार्रवाई करते हैं यार, इसकी दो सांस की दिक्कत है, इसको जल्दी से बैठना सोल देनी पड़ेगी आजकल में, ठीक है। और ये बाहर निकल गया था, इसको छोड़ते हैं जाल के अंदर, वो बच्चा देखो अंदर ही बैठा हुआ है। अब इसके साथ में इसका कबूतर भी छोड़ते हैं, वैसे देखो नहीं पकड़ रहा हूँ ना तब थोड़ी कम दिक्कत है, लेकिन दिक्कत तो है यार इसको थोड़ी थोड़ी सांस की। तो ये है भाई वो शहंशाह जिसने मोर्चा मार लिया है सफेद कबूतरी का, ये है देख लो ध्यान से, ये है देख लो, रुक जा बेटे, अरे रुक जा यार, गोले में भी इतनी ताकत होती है क्या, ले अब जा, ये लो भाई जाके अपने उसमें घुस गया। अरे ये भी थोड़ा रिलैक्स होगी, फिर इनको निकालते हैं और इनको फेंक देते हैं आसमान की तरफ। तो भाई 5-7 मिनट हो चुके हैं इनको रिलैक्स करते हुए, मैं क्या करता हूँ सफ़ेद कबूतरी और इसके कबूतर को बिठा देता हूँ इस पे। ये जो इसका कबूतर है वो तो इस फे से नीचे आ जाता है भाई, क्योंकि उसको तो मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया, लेकिन सफ़ेद कबूतरी की कुछ गारंटी नहीं है कि क्या पता वो ऊपर चली जाए या फिर वो निकल ही जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो हिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे इस कबूतर को मैंने हिलाया यहाँ पे छोड़ छोड़ के, ठीक है। तो इस कबूतरी को भी करता हूँ, लेकिन पहले इसके कबूतर को करता हूँ, ठीक है। नहीं तो क्या पता मैं कबूतरी को छोड़ दूँ और अचानक वो कबूतर ना देख के ऊपर निकल जाए। इसको जल्दी से कर देते हैं फिर नीचे, ये लो ये इसको आदत हो रखी है, नीचे से फिर कबूतर खोल दूंगा, फिर देखते हैं ये नीचे आएगी या फिर भाग जाएगी। अब इसको पता चल गया कि हाँ इसके पंख खुल गए हैं, चलो चलो अंडर आराम से, हाँ आगे ना आराम से, ये लो बेटे। और अरे यार शट, ये खुद ही ऊपर चला गया, आजा
आजा बेटे देख कबूतरी तेरी येरी आजा। ये लो मैंने छोड़ दी भाई इसकी कबूतरी। आजा ये देख बेटे देख देख ये देख कबूतरी तेरी। हाँ नीचे हाँ हाँ देख ले देख ले देख ले देख ली देख ली। आजा आजा ओए 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 इसकी कबूतरी फिसले। ये लो ये होगी ना कुछ गोलो वाली बात गोले कबूतरों वाली पूरे लट्ठे हैं। ये लो भाई ये हो गया देख रही है इसके इलाका देख रही है। काश में कबूतर भी मैं ऐसे ही लाता भाई पर मेरे को ही जल्दबाजी थी जो मैंने उनके पंख खोल दिए एक ही दिन में सारों के। ये लो सेट हो लेने दो इनको। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ कबूतर अभी नहीं थोड़ी देर में बैठ ले रहे हैं इनको इलाका देख लेने दो एक बार अच्छे से। तो फाइनली भाई ने 8 से 10 मिनट हो चुके ऊपर बैठे हुए। अब मैं नीचे से कबूतर निकालता हूँ ताकि ये नीचे ही आ जाए। ठीक है इतना भी रिस्क लेना जरूरी नहीं है बाकी कबूतरी मुश्किल आएगी पर देख लेते। ये लो भाई ये कबूतर निकल गए ये जो कल पकड़ा था। आजा ये देख तो रहा है कबूतर। मैं ऊपर से करता हूँ इनको इस साइड थोड़ा रिस्क लेके कहीं ऐसा ना हो फड़क के उड़ जाए क्योंकि ये कबूतरी चंट है पटेत बोलते हैं इनको पटेत बोल रहे थे कई भाई इनको जो गोले पालते हैं सफ़ेद पटेत। ठीक है अब देखते हैं देख तो रहे हैं शायद। यार मैं ऊपर से पानी हटाना भूल गया सॉरी। चलो करते हैं कुछ ना कुछ अभी देखते हैं नीचे कबूतर इनको दिख रहे होंगे शायद ये बैठे हुए हैं लेकिन ऊपर भी कबूतर दिख गए होंगे इनको। ये ऊपर जाएंगी कि नीचे आएगी ऊपर या नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो देखते हैं। चलो बेटे मैं वहाँ से कोने पे से करता हूँ भाई। अरे यार ये पानी भी अभी भरना था क्या इसको दिमाग खराब वाली बात होगी। चलो 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 अब ये कबूतरी डर गई है अब थोड़ी दिक्कत हो सकती है देखते हैं भाई क्या होगा। ये कबूतर भी थोड़ा उड़ नहीं कर रहा वहाँ पे कबूतर खुले हुए हैं यहाँ पे भी कबूतर इसको दिख गया फड़कता हुआ तो इसके हाथ में अब ये क्या करेगी। चल 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 थोड़े थोड़े नीचे फड़कते रहेंगे ना कबूतर। चलो बेटे चलो 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 नीचे ऐसे ही लोगे तुम। चलो 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 ये सफ़ेद ये कबूतर गया ना अपने वाला और लो भाई ये भी गए ये दोनों ही गए। तो फाइनली भाई कबूतरी ने कमाल कर दिया थोड़ा बहुत